हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वुमनिया पे। उम्मीद करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 मई यानी कि कल ही रिलीज हुई एक फिल्म भैया जी। इस फिल्म में एक अलग मसाला, एक नया तड़का, भोजपुरी और साउथ इंडियन का मिक्सचर देखने मिलेगा। तो चलिए फिल्म की बात करते हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर एंड को राइटर अपूर्व सिंह कर की, जिन्होंने पहले भी मनोज बाजपेयी के साथ सिर्फ एक बंदा काफी है फिल्म में काम किया था, और इस बार एक पुरानी स्टोरी लाइन बेटे जैसे भाई के डेथ का बदला टाइप मूवी को नए अंदाज में पेश किया है। लेकिन क्या ये पुरानी वाइन नए बोतल में असरदार है, आइए जानते हैं। फिल्म में रामचरण एज भैया जी, जिन के दबंगई से पूरा बिहार वाकिफ है, काफी लोग उनकी जी हुजूरी करते हैं और उनके आगे पीछे घूमते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में आपको देखने मिलेगा भैया जी की शादी की तैयारी हो रही है जोया हुसैन से, और उसी दौरान एक दुख भरा खबर आता है कि उनके छोटे भाई जो दिल्ली से बिहार वापस आ रहे थे उनकी शादी के लिए, उसका डेथ हो गया। और उस टाइम पे भैया जी की एक्टिंग देखने लायक है। तो मूवी का स्टार्ट तो बहुत अच्छे से हुआ, मुझे लगा कि आगे तो मूवी बहुत ही कमाल की होगी। मूवी के फर्स्ट हाफ में एक भयानक लड़ाई का बिल्डअप दिखाया जाएगा और सेकेंड हाफ में उस बिल्डअप को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल मूवी की स्टोरी है। ये फिल्म मनोज बाजपेयी सर की 100th फिल्म है। मनोज सर की एक्टिंग डेफिनेटली शानदार है, एक्शन सीक्वेंसेस भी ठीक है। फिल्म में गाली गलौज या वल्गर कंटेंट नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, कहानी का इंटेंशन तो साफ है, लेकिन कहानी के एग्जीक्यूशन में कमी है। डायरेक्शन और स्टोरी लाइन थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। अपूर्व सिंह कर की अपने विजन को स्क्रीन पे उतारने में थोड़ा कमजोर दिखाई देते हैं, और इस फिल्म का एंड रिजल्ट आपको थोड़ा डिसअपॉइंट भी करेगा। और फिर भी अगर मूवी चल पड़ती है तो जितने भी दिन वो थिएटर में रहेगी वो सिर्फ मनोज बाजपेयी सर की एक्टिंग की वजह से ही होगी। तो सवाल आता है कि भैया जी मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि फिल्म देखने लायक तो है अगर आप मनोज सर के फैन हैं, या फिर भोजपुरी का तड़का देखना चाहते हैं जो इस फिल्म में डाला गया है, उसका मजा लेना चाहते हैं, तो आप जरूर इंजॉय करिए। लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर आप जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट के पर्पज से देख के आ सकते हो। पैसा वसूल तो मैं इसे नहीं कहूंगी, मतलब ये इस टाइप की मूवी है कि अगर OTT पे रिलीज हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। थिएटर जाके पैसे दे के मूवी देखने लायक मुझे नहीं लगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस फिल्म को ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट पे अपना रिव्यू जरूर शेयर करिए। तो करते हैं यही इस वीडियो को एंड। आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक कर दो और अपने मूवीज बडी के साथ इसे शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखिए ख्याल। शुक्रिया, धन्यवाद।